धनतेरस एवं दिवाली के अवसर पर बम्पर ऑफर के साथ लगातार 6 वर्षों से आपकी सेवा में गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नवशिया। हमारे यहाँ त्रिवेणी अलमीरा, वैशाली अलमीरा, गोदरेज, शीशम सागवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग के सामान काफी सस्ते मूल्य में उपलब्ध है। धनतेरस के अवसर पर 10,000 की खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 की खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें। विशेष ऑफर 1.5 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर 1 सोने का सिक्का प्राप्त करें। संपर्क करें सौरभ जायसवाल 9709610050582923134316। नमस्कार, मैं हूँ निधिजा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। अपनी जाल में फंसी आरजेडी, बड़े नेताओं का सीट बदलना पड़ा महंगा, तेज प्रताप को छोड़कर सब हारे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर दिखी, नेक टू नेक की लड़ाई में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए सरकार के ऊपर भरोसा जताया। बिहार चुनाव में एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई। आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान सहना पड़ा है। राजद ने अपनी पार्टी से कई बड़े नेताओं का सीट बदला था, जिससे हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद का बड़ा बयान, सिर्फ पीएम मोदी के कारण ही जीता एनडीए, किसी दूसरे को श्रेय नहीं जाता। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। एनडीए को बिहार में स्पष्ट बहुमत मिली है। भाजपा, जेडीयू और हम, साथ ही बीआईपी को 125 सीटें मिली है। लेकिन अब इस जीत के श्रेय को लेकर एनडीए के अंदर ही होड़ मची हुई है। भाजपा के सांसद ने इस जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी को दिया। शॉर्ट सर्किट से कपड़ा दुकान में लगी आग, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। शहर के महाराजगंज चौक स्थित व्यवसायी बलदेव भगत के कपड़े की दुकान में अचानक आग लग जाने से 10 लाख रुपए से अधिक के नुकसान होने की बात सामने आ रही है। जीत के बाद बोले अवैसी, 5 साल की मेहनत के बाद मिली 5 सीटें। बिहार में तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर रखने में अहम भूमिका अदा करने वाले ओवैसी ने सरकार गठन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ओवैसी ने साफ शब्द में कहा है कि वह बिहार में बनने वाली एनडीए सरकार के साथ जाएंगे या फिर विरोध में खड़े रहेंगे। लेकिन ओवैसी ने इतना जरूर कहा है कि बिहार में 5 साल तक उनकी पार्टी ने जो मेहनत किया है, नतीजा उन्हें 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके मिली है। एनडीए की जीत पर पीएम मोदी ने जताया आभार, बोले बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत से काफी खुश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों का आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने एक से के बाद एक लगातार 6 ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा, ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। आज रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने वोट भी किया है और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया। बिहार में फिर मिले कोरोना के 702 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 7,219। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के अनुसार राज्य में 702 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। सबसे अधिक नए मरीजों की संख्या राजधानी पटना में बढ़ गई है, जहां कोरोना के 194 मरीज मिले हैं। कटिहार में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने आरोप लगाया कि एनडीए की जीत की खुशी मनाने की मिली सजा। कटिहार में पेड़ से लटका एक युवक का शव बरामद किया गया। घटना फलका थाना क्षेत्र के गोपालपट्टी गांव की बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एनडीए की जीत की खुशी में पटाखे फोड़ने पर विरोधी पक्ष द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुशील मोदी ने माना, चिराग ने जेडीयू को 30 सीट पर हरवाया, नीतीश के काम से मिला वोट। बिहार में बहुमत मिलने के बाद एनडीए की जीत के नायक के भले ही बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए जा रहे हों, लेकिन बिहार के
डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हार में जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट देकर एनडीए को जिताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान, सफल हुआ बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट का एजेंडा। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी अपने एजेंडे को सफल बताने में लगे हुए हैं। आज संवाददाता सम्मेलन करते हुए उन्होंने अपने एजेंडे बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट को सफल करार देते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद था, नीतीश को हराना, जिसमें लोजपा काफी हद तक सही साबित हुई। भागलपुर में एनडीए का डंका, महागठबंधन फिसल। भागलपुर जिले की 7 सीट की तस्वीर साफ हो गई। 2015 में जहां भागलपुर में बीजेपी का सूपड़ा साफ होता दिखा था, वहीं इस बार 7 में से 3 सीट पर विजय हासिल की है। भाजपा ने पीरपैती, कहलगांव व बिहपुर सीट जीत ली है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371 1787 7325052437।